हेलो दोस्तों, माईमाल एंड्रॉयड पीसी यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं हूं एजाज़ अहमद अजहरी। दोस्तों, आज का इस वीडियो जो मेरा है कंप्यूटर लैपटॉप पर है। जो हाँ दोस्तों, जो लोग इन लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या जो लोग अभी लैपटॉप या कंप्यूटर लेने की सोच रहे हैं, वो लोग ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इनमें जो सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ वो कंप्यूटर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बगैर आपका कंप्यूटर एक मुकम्मल कंप्यूटर नहीं हो पाता, क्योंकि उन सॉफ्टवेयर की आपको आए दिन ज़रूरत रहती है। तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, जो कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जो आपके कंप्यूटर में होना ज़रूरी हैं, तो उसके लिए आपको ये मेरा पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यहाँ एक रेड कलर का आइकन दिखेगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक ज़रूर करें। तो शुरू करता हूँ यह वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक जो ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा, यानी आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, वो है नंबर एक एडोब फोटोशॉप। जी हाँ, फोटोशॉप के बारे में जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं वो हर हाल में जानते होंगे, जो नहीं चलाते हो फिर भी उन्हें मैं बता देता हूँ कि फ़ोटोशॉप है क्या। फ़ोटोशॉप एक फ़ोटो डिज़ाइन करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम आप अलग अलग तरह के फ़ोटो डिज़ाइन कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो बना सकते हैं, और जैसे एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सब फ़ोटोशॉप के अंदर ही काम किया जाता है। फ़ोटोशॉप के कई ढेर सारे वर्जन हैं, जैसे CS6 ऐसे हैवी वर्जन हैं, जो काफ़ी आगे चलकर अगर जो करते हैं ये कोर्स तो उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ मैं कोर्स सिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ बताना चाहूँगा कि आपको फ़ोटोशॉप के ज़रिए से कि आप थोड़ा बहुत अपने आप से क्या क्या कर सकते हैं। आप पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आराम से बना सकते हैं, ये आपके कंप्यूटर में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको ऑनलाइन फ़ोटो भी लगाना होता है, जो आप फ़ोटोशॉप की मदद से उसे पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो बना सकते हैं और उसमें ऑनलाइन इसे अपडेट कर सकते हैं। अब दूसरा सॉफ्टवेयर आता है आपका एडोब रीडर। एडोब रीडर एक PDF को ओपन करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर में होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत सी ऐसे मेलें आती होंगी, या अगर आपके पास मेल ID है तो ऐसी कई ढेर सारी फाइलें या आपके एडमिट कार्ड वगैरह, ये सब अधिकतर आप PDF पे ही आने लगे हैं, तो उसको आपको ओपन करने में काफ़ी दिक्कत होती है अगर आपके पास एडोब रीडर नहीं है। तो एडोब रीडर PDF फाइलों को ओपन करता है। और नंबर तीन पर आता है आपका रिसाइकल बिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिलीट की गई फाइलें आपकी चली जाती हैं, जिसके रिसाइकल बिन की मदद से आप उन डिलीट की गई फाइलों को रिकवर कर सकते हैं। और आप चौथा ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर है आपका एडोब फ्लैश लेयर एक वीडियोस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, जैसे यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब की वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे कई वीडियो हैं जो आप देखना चाहते हैं, अगर आपके आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में एडोब फ्लैश लेयर नहीं है तो बहुत सी वीडियो पर एरर आएगा, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में एडोब फ्लैश लेयर है तो उसकी वजह से आपके सारी वीडियो आप आराम से आसानी से देख सकते हैं। नंबर छः पे अगर बात करूँ तो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है आपका एंटीवायरस। किसी भी नए या पुराने कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर की पूरी तरह से सुरक्षा करता है, सिक्योरिटी करता है। जैसे कोई किसी भी तरह के ऐसे लिंक आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके हार्ड डिस्क या किसी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसे कोई भी मतलब एंटीवायरस का मतलब किसी भी तरह का चीज़ को डैमेज कर देता है वो, लेकिन एंटीवायरस बहुत सी चीज़ों को सेव करता है। या अगर आप एंटीवायरस यूज़ करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर टॉप एंटीवायरस सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको जो अच्छा लगे वो सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से QKL का ही एंटीवायरस ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 7 पे आते हैं तो आपका है सॉफ्टवेयर VLC। VLC एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर तरह की वीडियो को ओपन करता है, यानी हर तरह की वीडियो को ऑडियो वीडियो सबको अपने फाइल में ओपन कर लेता है, यानी आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसकी की ही मदद से हर तरह की वीडियो आसानी से देख सकते हैं। अब 7वां सॉफ्टवेयर है आपका इंटरनेट चलाने के लिए।
तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो सबसे पॉपुलर अगर मैं सॉफ्टवेयर बताऊँ तो वो है गूगल क्रोम। गूगल का ही एक है गूगल क्रोम, जिस पर आप इंटरनेट बहुत ही आसान तरीके से चला सकते हैं। आप कोई भी वेबसाइट उस पर लॉग इन कर सकते हैं, कोई वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट उस पर देख सकते हैं। और इसके बाद है मोज़िला फायरफॉक्स, ये भी इंटरनेट चलाने के लिए बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। इस पर भी आप आसानी से हर तरह की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब आठवां सॉफ्टवेयर है आपका फोल्डर लॉक। फोल्डर लॉक, अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई ऐसे फोल्डर हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप सेफ रखना चाहते हैं, जिन्हें आप बचा के रखना चाहते हैं, तो आप फोल्डर लॉक एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए और उसकी मदद से आप अपने सारे उन फोल्डरों पर लॉक लगा सकते हैं। अब नवा सॉफ्टवेयर आपके लिए जो बताने जा रहा हूँ वो है जिप एंड विनरार। जिप एंड विनरार का इस्तेमाल ज़्यादातर काफ़ी एडवांस लोग ही करते हैं, क्योंकि ये इन फाइलों को, जिप फाइलों को एक्सएमएल बनाने के लिए ही किया जाता है अधिकतर। ये इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आप बहुत सी ऐसी फाइलें आती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास 100-200 JPG फाइलें हैं, उन फाइलों को आप एक एक करके अटैचमेंट करके भेजेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिप फाइल बनाकर आप आसानी से एक बॉक्स बनाकर, बॉक्स बन जाता है उसमें सारी फाइलें एक साथ चली जाती हैं, जिप बन जाती हैं, और उससे आसानी से कहीं भी मेल कर सकते हैं। और ओपन और जिसके वो आपको जिसको आपने मेल की है वो इस जिप एंड विन रार की सॉफ्टवेयर की मदद से उसे ओपन कर सकता है आसानी से। अब अगर दसवां सॉफ्टवेयर बताने जाऊँ जो जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और वो किस हर तरह के बिजनेस लाइन में यूज़ किया जाता है, जिसमें जैसे कि ऑफिस लाइन में और बैंक में और ऐसे कई डाटा एंट्रीज में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज़रूर होता है। यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कई ढेर सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि एमएस एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, आउटलुक, ये सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर आप टाइपिंग कर सकते हैं, किसी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, बुकलेट तैयार कर सकते हैं, एक्सेल पर आप अपना अकाउंट रख सकते हैं, अकाउंट की लेन देन वगैरह ये सब एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। और एक और होता है इसके अंदर एक्सेस, एक्सेस के अंदर आप किसी भी तरह का डाटा रख सकते हैं और कई ढेर सारे कवर डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं। आपको इस सॉफ्टवेयर का बहुत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इसके बगैर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी इसके बगैर रहती होगी। हर कंपनी में इस एमएस ऑफिस का इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।